और खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की सबसे अहम रैली के साथ। तो पंजाब के मुक्तसर जिले के मलोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी की रैली शिरोमणि अकाली दल के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और इसको कामयाब बनाने के लिए अकाली दल बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का बड़ा चुनावी ऐलान किया था। उसके बाद वो पहली बार रैली करेंगे जिसमें देश के प्रधानमंत्री किसानों से सीधा संवाद करेंगे और पीएम मोदी की रैली को लेकर पंजाब की सियासत भी करवा गई है। पंजाब के खाद्य मंत्री भारत भूषण आशु ने कहा कि एमएसपी को बढ़ाया जाना किसानों को लॉलीपॉप देने के बराबर है। अगर सरकार किसानों के प्रति गंभीर है तो केंद्र सरकार किसानों का कर्जा माफ करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो अनुशंसा है, सिफारिश है, उसे लागू करे। और 2014 के चुनावी वादों में किसानों को लेकर बीजेपी ने यह कहा था लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया। रूट और पार्किंग के लिए सेपरेट आईजी साहब लगे हुए हैं और हेलीपैड के लिए सेपरेट आईजी साहब लगे हैं। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट की फोर्स वेन्यू पर लगी हुई है, 3 डिस्ट्रिक्ट की और एडिशनल फोर्स रूट पर लगी हुई। ओवरऑल सुपरविजन जो है एडीजी साहब प्रोविजनिंग कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजर्स के साथ बिल्कुल अच्छी लाइजनिंग चल रही है, सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। कितने लोग आने की उम्मीद है सर? ये तो आपको पॉलिटिकल फोर्स की गिनती हमारे इधर वेन्यू पे तकरीबन 2000 के करीब मैन पावर लगी हुई।